शराब की दुकान बंद है लेकिन हर घर में डिलीवरी हो रही है और सब लोगों ने उसको सत्य मान लिया है। माफिया यहाँ ऑपरेट कर रहा है जो सारे लोगों के लिए खेती अपने बाल बच्चों के पेट भरने का जरिया है या खेती में आप मजदूरी बनकर कुछ रोजगारी कमा सकते हैं, वो आपके जीवन में उन्नति का जरिया नहीं है। तो ये भूमि सुधार का लागू न होना या भूमि सुधार के दिशा में कोई सोची समझा प्रयास का न होना एक किसानों के लिए बड़ी समस्या है। यहाँ दूसरी जो यहाँ बड़ी आधारभूत समस्या है किसानों को लेकर वो है जल प्रबंधन की। आधा बिहार बाढ़ की चपेट में है और करीब करीब 25-30% जो जमीन है उसमें सूखे की मार लोग झेल रहे हैं। जो बच गया उसमें छपरा और सिवान जैसे जिलों में चवर की जो समस्या है, हजारों एकड़ जमीन जहां पानी लगा हुआ है, चंपारण में आप पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण में जाएंगे तो वहां कटाव की समस्या है क्योंकि वो नेपाल से लगते हुए जिले हैं। तो जहां आधी जमीन बाढ़ से प्रभावित है और जो बाकी जमीन है उसमें या तो सूखा है या नदियों के कटाव या जल जमाव के वजह से लोग परेशान हैं। तो दूसरी बड़ी समस्या ये जल प्रबंधन को लेकर है। बिहार देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पिछले 10 साल में सिंचित भूमि की जो संख्या है जो मात्रा है वो कम हो गई है। बिहार के विकास के लिए शिक्षा स्वास्थ्य कृषि उद्योग रोजगार कृषि सामाजिक न्याय ग्रामीण और शहरी विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए अगले 10 साल की एक योजना बनाई जाए। वो योजना कोई व्यक्ति बैठ के ऑफिस में न बनाए, गांव-गांव जाकर लोगों से उनकी समस्याओं को समझकर उनके सुझावों को लेकर 10 साल की ये योजना बने ताकि ये तीनों चीजों को जोड़ा जा सके। समाज में लोगों को समझ हो, अपनी समस्या अपने बच्चों की शिक्षा और रोजगार पर लोग वोट दें, जिनको वोट दें वो लोग समाज के सही लोग हों, और तीसरा उन लोगों के पास बिहार को सुधारने का बिहार को आगे बढ़ाने का समृद्ध और अग्रणी बनाने का कि एक योजना हो जो योजना लोगों की सहमति और सलाह से बनाई गई हो। नहीं, जब दल बन जाएगा उसके बाद जो भी चुनाव होगा उसमें निश्चित तौर पर चुनाव लड़ेंगे। शराबबंदी को लेकर बात करना बेमानी है। शराब की दुकान बंद है लेकिन हर घर में डिलीवरी हो रही है और सब लोगों ने उसको सत्य मान लिया है। एक बड़ा तंत्र माफिया यहाँ ऑपरेट कर रहा है जो शराब के धंधे में लिप्त है, जो शराब को लाता है, बेचवाता है, पैसे कमाता है। सरकारी अधिकारियों का, पुलिस का एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो सब काम धाम छोड़कर सिर्फ और सिर्फ शराबबंदी लागू करने और उससे पैसे कमाने में लगा हुआ है। थानों का बजाबता लोग रेट बताते हैं कि थानों का रेट इस पर निर्भर है कि वहां कितनी शराब बिकती है, तो शराबबंदी पर तो बात करना ही बेमानी है। कुल मिला जुलाकर जो तीन सबसे ज्यादा सुने जाने वाले शब्द हैं पूरे पदयात्रा के दौरान वो है अफसरशाही से परेशान जनता, सरकारी विभागों में फैला हुआ भ्रष्टाचार और तीसरा हर सरकारी योजना में काटे जाने वाला पीसी। तो अफसरशाही, भ्रष्टाचार और पीसी ये तीन सबसे बड़ी समस्या के तौर पर जिससे समाज का हर वर्ग प्रताड़ित है। आप चाहे जनप्रतिनिधि हैं, आप गरीब हैं, अमीर हैं, रसूख वाले हैं, कमजोर हैं, हर व्यक्ति ये मान रहा है कि भैया बिहार को तो अफसर ही चला रहे हैं। हर व्यक्ति ये मान रहा है कि कोई भी सरकारी काम ऐसा नहीं है जो बिना पैसा दिए हुए बिना भ्रष्टाचार के हो सके और कोई भी सरकारी योजना ऐसी नहीं है जिसमें 20-30-40% कमीशन न काटा जाए।